हम आज इस मैच में आपको मैच दिखाने वाले हैं एश चार्जार्ड वर्सेस लियोन चार्जार्ड कि ज्यादा ताकतवर कौन है, एश का चार्जार्ड या लियोन का चार्जार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैच शुरू हो चुका है, तो जैसे कि एश के चार्जार्ड की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि आप सबने तो देखा ही होगा कि एश के चार्जार्ड ने बहुत सारे मैच में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन तक को भी हरा दिया। जैसे कि आपने लेजेंडरी एंटाई मूवी में तो दिखा ही होगा कि चार्जार्ड ने कैसे एंटाई को भी घायल कर दिया था। वहीं लियोन के चार्जार्ड को तो आप सब ही जानते होंगे कि कोई मामूली पोकेमॉन क्या, कोई लेजेंडरी पोकेमॉन भी उसके सामने जल्दी टिक नहीं पाता लेजेंडरी पोकेमॉन, क्योंकि एश का चार्जार्ड, क्योंकि लियोन का चार्जार्ड जो है वो वेगा मैक्स चार्जार्ड है। और वहीं अगर एश के चार्जार्ड की बात करें तो सिंपल चार्जार्ड है। अगर हम एश के भी चार्जार्ड को वेगा मैक्स में बदल देंगे तो मेरे हिसाब से तो एश का चार्जार्ड लियोन के चार्जार्ड से जीत सकता है। लेकिन अगर अभी इस समय की बात करें तो अगर वेगा मैक्स में नहीं हुआ तो लियोन का चार्जार्ड जीत सकता है। अगर हम मुकाबला बराबर की करें तो अगर एश के भी चार्जार्ड को हम वेगा मैक्स में बना दें तो जीत शायद तो एश की होना हो सकती है। लेकिन अगर हम वही बात करें अगर लियोन के चार्जार्ड की, तो लियोन की चार्जार्ड भी एश के चार्जार्ड से कुछ कम नहीं है सिंपल मोड में। तो अगर हम बात करें एश के चार्जार्ड की और लियोन के चार्जार्ड की तो दोनों ही मुकाबले पे रहते हैं। और जहाँ की बात करें एश के चार्जार्ड की, तो एश के चार्जार्ड बहुत डेंजरस है, वहीं लियोन का भी चार्जार्ड कुछ कम नहीं है। तो अगर हम बात करें, आप सब तो मैच में देखे होंगे कि लियोन के चार्जार्ड की पावर क्या है, उसके सामने बड़े बड़े पोकेमॉन जल्दी नहीं टिक पाते। लेकिन अगर हम यही बात करें कि एश के चार्जार्ड और लियोन के चार्जार्ड में को दोनों को भी कमैश बना दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो टाई हो सकता है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसा और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को